इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मिट्टी के गणगौर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गणगौर की पूजा आने वाली है, तो क्यों ना हम घर पर ही गणगौर बनाना सीखें। तो यहाँ मैंने आपको गणगौर बनाना सिखाया है। इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणगौर पर्व की परंपरा के अनुसार गणगौर रेणुका मिट्टी से बनाए जाते हैं, जिसे बालू मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ मैं चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर रही हूँ। यदि आपके पास रेणुका मिट्टी या बालू मिट्टी नहीं है तो आप चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो आप बालू मिट्टी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गणगौर बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत गणगौर बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिसे आप मात्र 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। इन्हें आप चाहें तो पूजा से कुछ टाइम पहले आसानी से कम टाइम में घर पर ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर गणगौर घर पर कैसे बनाएं इसकी एक वीडियो और डाली हुई है, आप उसको भी देखिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ईसर जी और गणगौर बना रही हूँ और दोनों को साथ में बना रही हूँ। एक तरफ मैंने गणगौर माता को बना लिया है, दूसरी तरफ मैंने ईसर जी को बनाया है। गणगौर माता की हाइट मैंने थोड़ी सी कम रखी है और ईसर जी की थोड़ी सी ऊंची रखी है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा तो आपको एक तरह से उनकी कदकाठी का पता लग जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों के चेहरे बनाए हैं, वो भी मैं बहुत सरल तरीके से बना रही हूँ, आप देखते जाइएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इनके चेहरे को लगा देंगे। गणगौर का पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसकी मुख्य पूजा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही की जाती है, जिसे गणगौर तीज के नाम से भी जाना जाता है। गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से तो राजस्थान में मनाया जाता है, कई स्थानों पर तो गणगौर माता के मेलों का भी आयोजन किया जाता है। गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि जहाँ जहाँ भी मारवाड़ी लोग रहते हैं, इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं। गणगौर के पर्व में ईश्वर जी और माता गणगौर की पूजा की जाती है। ईश्वर जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है और गणगौर माता को माता पार्वती का रूप माना जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से तो महिलाओं के लिए होता है। सुहागिन महिलाएँ यह त्यौहार सौभाग्य का वरदान प्राप्ति करने के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने समस्त स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। इसलिए 16 दिनों तक सुहागिन औरतें गणगौर माता की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, नाचती गाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाती हैं। उसके बाद गणगौर माता की विदाई करती हैं। मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद पहली होली पर अपने माता पिता के घर पर या फिर ससुराल में 16 दिन की गणगौर बैठाती है। यह गणगौर की पूजा अकेले नहीं की जाती है, जोड़े के साथ पूजी जाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर इससे पहले पार्थिव शिव परिवार भी डाला हुआ है मिट्टी से बनाकर, और मैंने पार्थिव शिवलिंग की वीडियो भी डाली हुई है। इसके अलावा मैंने मिट्टी के शिव पार्वती भी बनाए हैं, जिनकी पूजा हरियाली तीज हरताल का तीज पर की जाती है।
मिट्टी की महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, इसके अलावा मैंने मिट्टी का हाथी भी बनाया है। इन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। इन सभी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा। और आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लग रही है, यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गणगौर बना लिए हैं। इसके बाद हम गणगौर को थोड़ा सा सूखने देंगे और उसके बाद हम इन्हें अपने मनचाहे तरीके से तैयार करेंगे। आप इन्हें चाहें तो कलर करके भी तैयार कर सकते हैं, आप इन्हें वस्त्र भी पहना सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें सूखने रख दिया था, उसके बाद मैंने इनको कुछ इस तरह से तैयार किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे गणगौर बन करके तैयार हो गए हैं, खूबसूरत गणगौर बन के तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स आपको हमारे गणगौर कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।